उसको जवाब मांगा है, मगर हम लोगों को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, हम लोगों को सीधा वहाँ से ट्रांसफर चाहिए। हम लोगों को रखना नहीं है अपने पंचायत के स्कूल को। बच्चे बताएंगे ना सर, मैडम हम क्या कराते बता। काली बिल्ली आके उसे पिक साफ करवाते हैं और केला छिलका उठा। कौन मैडम? सीमा ग्रास। तो पढ़ाते कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ाते। कैसे आए आप? क्या साधन था मैडम के सिखाए? हमको मैडम नहीं चाहिए। आपने कल को ना भूरी बोलती है और हम लोगों को ना अपने जूठा को साफ करवाती है और केला के छिलका को फेंकवाती है। कौन करवाता है? अग्रवाल मैडम। कहाँ से आए आप? हरन। कितना पढ़ते हो? चौथी। अभी आप लोग कलेक्टर भवन आए थे कलेक्टर से मिलने के लिए, तो आपको कलेक्टर मिलने दिया कि नहीं दिया? नहीं। क्या बोल रहे हैं? बच्चों से नहीं मिलेंगे। बोल रही हूँ खाना बनाने वाले रसोइयों को भी बोलती है कि तुम टोनी हो, तुम देखती हो तो मेरे को सर्दी लग गई, मेरे को खांसी और मेरे सिर दर्द देने लग रही है। सीमा अग्रवाल अभद्र व्यवहार करती है बच्चों के साथ, किसी को काली बोलती है, किसी को गरीब घर से आई हो तुम दूर रहो, अच्छे कपड़े नहीं पहन के आए हो, साफ सुथरा नहीं हो, ऐसे बोलती रहती है। और 11 बजे आती है 12 बजे चली जाती है। अभी तो इतना दिन तक से हम उसको झेल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे के भविष्य की सवाल है ना, ये पढ़ाएगी तभी तो बच्चे लोग सीखेंगे। हम गरीब घर के हैं, बच्चे को हम जब पढ़ा सकते थे तो बड़े स्कूल में ही नहीं भेजते, प्राइवेट में। अभी आप क्या चाहते? हमको सीमा अग्रवाल मैडम नहीं चाहिए, हर हाल में ही नहीं चाहिए सीमा अग्रवाल। दीदी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुनीता मानिकपुरी है, मैं गांव हरण मोड़ से आई हूं। क्या शिकायत है? क्या कलेक्टर सीमा अग्रवाल मैडम को ना हमारे स्कूल से निकलवाना है। पढ़ाती वढ़ाती कुछ नहीं है, बच्चे लोग को डराती है और शौचालय साफ करवाती है और टाइम से कभी नहीं आती, 11 बजे आती है 12 बजे चले जाती है। ऐसा कब से हुआ है? बहुत 2 साल हो गया लग। आपको तो मैडम से बात किया? पाली में किए थे पाली में किए थे, लेकिन वो बार बार थाना को दिखाती है और बार बार फिर थाना वाले को बोल देती है कि ये लोग ऐसे है ऐसे है, पालकगढ़ मेरे से बच्चे नहीं जी कर गाँव वाले लड़ू का बच्चे लोग को मारते हैं। आप लोग लगभग कितने परिवार शिकायत दे करते हैं? 15-30 बच्चे हैं, पहले से 5 भी बच्चे पूरे पालकगढ़ आए हैं और बच्चों को भी लेकर आए हैं। हम लोग पालकगढ़ के किसी को सुनने वाले नहीं है, बच्चे को जरूर जो खाना बनाते हैं रसोई वाले मन जी। हम लोग ग्राम पंचायत हरनमुड़ी पाली विकास खंड जिला कोरबा से आए हैं कलेक्टर सर को हम लोग मैडम जी सीमा अग्रवाल का शिकायत करने के लिए, जो बच्चों से बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, जैसे किसी को कारी कलुकी बोलना, काली बिल्ली बोलना, सेफ्टी साफ करवाना, अपना खुद का खाया हुआ केला का छिलका साफ करना,
साफ करवाना है ना, और टिफिन बॉक्स को साफ करवाना। इस प्रकार से मैडम बच्चों से बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे पालकगढ़ को अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हम लोगों को मैडम ऐसे ऐसे बोलते हैं तो माँ बाप को एक दर्द पीड़ा होता है कि अभी छोटा बच्चा है, उसको हम लोग किस प्रकार से समझाए। इसीलिए हम लोग शिकायत लेकर आए हैं कलेक्टर महोदय जी से कि हम लोगों को सीमा अग्रवाल मैडम जी को तत्काल हमारे ग्राम हरनमुड़ी पंचायत से उसको अन्यत्र स्थानांतरण करने चाहिए। इसलिए हम कलेक्टर महोदय जी से आए हैं मिलने के लिए। और वो समय पे स्कूल भी नहीं आती ना सर जी। जी सर, आपके बच्चे आप लोगों को लगभग कितने दिनों से बता रहे थे कि उनकी टीचर, ये कम से कम एक साल से ऊपर है, दो तीन साल लगभग, और हम लोग साथे साथे आ रहे थे, मगर इतना इतना ज्यादा अभी की डेट में हो गया ना कि हम लोग पालकगढ़ नहीं सह सकते ना। बहुत बहुत गंदा गंदा अभद्र व्यवहार करते हैं। उसका कुछ वीडियो भी है हमारे पास, जो मैडम के आगे में पूछवाए बच्चे से कि क्या बोलते हैं, तो गांव वाले से भी लड़ते हैं। जैसे स्कूल अंदर बरामदा में बाउंड्री वाल के अंदर चले जाते हैं बच्चे लोग ना, खाने पीने के लिए बाहरी स्कूल के, तो उसको भी गाली गलौज करते हैं, और बात बात पे FIR दर्ज करवा देना, झूठा केस में फंसा देना गाँव वाले से, और मैडम बलात्कार का छेड़छाड़ का झूठा केस में भी फंसा देते हैं। इस प्रकार से सीमा अग्रवाल मैडम जी का आदत है जी। मैडम से बात किए हैं, हम लोग सभी पालक घर समझाइश देने गए थे उनको, मगर उल्टा हम लोगों को 12-13 पालक को थाना में FIR करवा दिया। तो हम लोग थाना से फिर आए वहां से अपना बयान देकर जी। हम लोग यही चाहते हैं कि सीमा अग्रवाल जो मैडम है ना, उनको कहीं दूसर पंचायत में अपन डाल दे, मगर हम अपने हरनमुड़ी पंचायत में नहीं डालना चाहते। अगर वो वहीं पे बना रहेंगे ना, तो हम लोग अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएंगे नहीं।